नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार के बाद प्रियंका गांधी की हिरासत ने उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूती से स्थापित कर दिया है। प्रियंका गांधी लगातार यूपी में जमी हुई हैं और उनकी सक्रियता ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। मानिए या मत मानिए, लेकिन प्रियंका गांधी आज की तारीख में यूपी में विपक्ष की सबसे ज्यादा सक्रिय नेता हैं और प्रियंका गांधी की सक्रियता ने केवल बीजेपी को ही परेशान नहीं कर रखा है, अखिलेश यादव को भी परेशान कर रखा है, मायावती को भी परेशान कर रखा है, क्योंकि दलित, ब्राह्मण और मुसलमान तीनों के साथ प्रियंका की नजदीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन जिस खेल की बात मैं शुरू में कर रहा था वो बहुत बड़ा है और वो खेल है वरुण गांधी के कांग्रेस में आने की संभावना। हमारे सूत्र बताते हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में आने का मन बना चुके हैं। इसकी पहली कड़ी थी बीजेपी से उनका मोह भंग, वो पूरा का पूरा हो चुका है। आपको हैरानी होगी कि पीलीभीत से भाजपा के इस युवा सांसद ने न केवल बीजेपी को दिल से निकाल दिया है बल्कि अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से भी हटा दिया है। लखीमपुर की घटना के बाद बुरी तरह से आहत वरुण गांधी ने ट्विटर से बीजेपी को हटा डाला और अब उनकी प्रोफाइल पर जो लिखा नजर आ रहा है वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा पीलीभीत, राइटर, पोएट, ऑथर ऑफ द अदरनेस ऑफ सेल्फ, स्टिलनेस एंड अ रूरल मैनिफेस्टो। मतलब अगर कुछ नहीं है इस प्रोफाइल में तो भारतीय जनता पार्टी। इतना ही नहीं, वरुण गांधी की मां और सुल्तानपुर से लोकसभा सांसद मेनका गांधी ने भी अपने ट्विटर प्रोफाइल में बीजेपी को अब नहीं रखा है। उनके प्रोफाइल में लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा सुल्तानपुर, ऑथर, एनवायरमेंटलिस्ट, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, फाउंडर एंड चेयरपर्सन पीपल फॉर एनिमल्स। वरुण गांधी की ही तरह मेनका संजय गांधी के इस पूरे परिचय में भी अगर कुछ नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी। क्या यह केवल इत्तेफाक है या फिर उत्तर प्रदेश में बदलती राजनीति का इशारा? इस इशारे को समझने वाले इसे प्रियंका गांधी के उतरने से बदलती हवा से जोड़कर देखते हैं। अब जरा सा पीछे लौटिए। वरुण गांधी ने लखीमपुर की घटना के बाद एक चिट्ठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी थी फौरन, और इसमें उन्होंने जोर देकर कहा था कि हमें हर हाल में किसानों के साथ केवल और केवल गांधीवादी व लोकतांत्रिक तरीके से कानून के दायरे में ही संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए। ये जो गांधीवादी पर जोर दिया है वरुण गांधी ने, इसी में राजनीति छिपी हुई है। उनके इशारे को समझिए। विकिपीडिया पर उनका नाम अभी भी फिरोज वरुण गांधी है। वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के भाई हैं और बचपन से दोनों के करीब रहे हैं। ये सच है कि पारिवारिक तल्खियों की वजह से उनकी मां मेनका गांधी ने गांधी परिवार से अपनी दूरी बना ली थी, बीजेपी के पास चली गई थी, लेकिन उनकी पीढ़ी का वर्चस्व खत्म हो रहा है। आज नहीं तो कल सोनिया गांधी की कमान राहुल और प्रियंका के हाथ में आने वाली है। ये भी सच है कि ना तो प्रियंका और ना ही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोचते हैं। दूसरी तरफ से सोचिए तो वरुण गांधी को बीजेपी हाशिए पर फेंक चुकी है, ठिकाने लगा चुकी है। कोई नहीं जानता कि उनकी मां और खुद उन्हें अगले लोकसभा में बीजेपी की तरफ से टिकट मिलेगा या नहीं। एक जमाना था जब लगता था कि बीजेपी वरुण गांधी को यूपी के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही, लेकिन वो जमाना 2014 में नरेंद्र मोदी और 2017 में योगी आदित्यनाथ के उत्कर्ष के साथ ही हवा में उड़ चुका है। पहले कार्यकाल में तो मोदी ने मेनका गांधी को मंत्री बनाया भी था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में वो भी जाता रहा। वरुण गांधी 2014 में जब सांसद बने थे तो केवल 34 साल के थे, लेकिन युवा शक्ति के तमाम उद्घोष के बावजूद मोदी ने उन्हें वेटिंग लिस्ट से बाहर नहीं आने दिया। और 2019 में मोदी ने मेनका और वरुण दोनों को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट होने के बावजूद मोदी ने वरुण गांधी को कभी तवज्जो नहीं दी। ये बात मेनका और वरुण दोनों को लंबे समय से चुभ रही है। बीजेपी ने उनके साथ जो सलूक किया है उसमें अपमान के अलावा कुछ नहीं है। खाली समय में वरुण गांधी किताबें लिखते रहे, उन्होंने शानदार किताबें लिखी, लेकिन बीजेपी की राजनीति में अपनी गुंजाइश के लिए वो हमेशा छटपटाते रहे।
वरुण गांधी की इसी छटपटाहट की परिणति है उनके ट्विटर प्रोफाइल से भारतीय जनता पार्टी का विदा हो जाना, मेनका गांधी के ट्विटर प्रोफाइल से भारतीय जनता पार्टी का गायब हो जाना। सच ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी राजनीति गांधी परिवार के इस दूसरे खेमे की नज़रों से उतर चुकी है, और इसका बहुत बड़ा सिरा इस कयास से जुड़ता है कि मोदी को सत्ता से उखाड़ने के लिए एक हो सकता है गांधी परिवार, मतलब सोनिया गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी। सोच कर देखिए, परिवर्तन के लिए 5 गांधी का ये जुटान सचमुच में कांग्रेस को वहां पहुंचा सकता है जहां से बदलाव की उम्मीदें कांग्रेस की तरफ वापस मुड़ने लगे। अगर ऐसा होता है तो मोदी के खिलाफ होने वाली मोर्चेबंदी के नेतृत्व पर कांग्रेस का दावा बहुत पुख्ता और स्वाभाविक हो जाएगा। दरअसल वरुण गांधी ने कभी भी मोदी और उनकी राजनीति को पसंद नहीं किया, ये बात मोदी भी जानते हैं। इसलिए सत्ता में आते ही उन्होंने अनुराग ठाकुर और चुनाव हार जाने के बावजूद स्मृति ईरानी को तो आगे बढ़ाया, लेकिन इन दोनों से अनुभवी होने के बावजूद वरुण गांधी को हाशिए पर फेंक दिया। अब जरा वरुण गांधी और मोदी की अदावत के कुछ किस्से सुन लीजिए। साल 2013 की बात है, वरुण गांधी भाजपा के पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे। कोलकाता के परेड ग्राउंड में मोदी की रैली थी, रैली का पूरा प्रबंध वरुण ने ही किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा के जनाधार के हिसाब से रैली ठीक ठाक थी, लेकिन वरुण ने अगले दिन अखबार वालों से कहा कि यह उम्मीद के हिसाब से सफल नहीं रही। मोदी को यह बात नागवार गुजरी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह ने वरुण गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया। प्रचार के दौरान एक दिन वरुण गांधी जब बोल रहे थे तो मोदी मोदी के नारे लगने लगे। वरुण गांधी ने मंच से कार्यकर्ताओं को डांट दिया कि मोदी मोदी क्या है। नतीजा ये हुआ कि अमित शाह जब पार्टी के अध्यक्ष बने तो पहला काम ये किया कि वरुण गांधी से महासचिव की कुर्सी छीन ली। मोदी ने भी मंत्री नहीं बनाया, बंगाल के प्रभारी का पद भी छीन लिया गया। ये टीस वरुण गांधी के मन में गहरे तक है। इसके अगले साल फरवरी 2015 में वरुण गांधी ने कानपुर में कार्यक्रम में कह दिया कि दूसरे दलों के तुलना में भाजपा में युवाओं को आने का मौका कम मिलता है। इस बयान को मोदी की युवा नीति के खिलाफ माना गया। मोदी वरुण से और चिढ़ गए थे। यह उस वरुण गांधी की स्थिति थी जिसे कभी यूपी में मुख्यमंत्री का दावेदार माना जा रहा था, पार्टी फायर ब्रांड नेता मानती थी। इससे आहत वरुण गांधी ने 2017 में इंदौर में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला उठा दिया। उन्होंने कहा था कि रोहित वेमुला का अंतिम खत पढ़कर उन्हें रोना आ गया। इसी तरह वरुण गांधी ने किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर कहा कि देश में कर्ज वसूली में भेदभाव किया जा रहा है, अमीरों को तो रियायत दे दी जाती है लेकिन गरीब को जान देनी पड़ती है। और अब किसान आंदोलन को लेकर वरुण गांधी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। सबको इंतजार है कि वो अपने अगले कदम का ऐलान कब करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक कीजिए और फॉलो बटन दबाइए। नमस्कार।